हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन। आप सभी को मेरे तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं आप सबका 2021 बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही मज़ेदार हो और बहुत ही सक्सेसफुल वाला हो। 2020 हम सभी के लिए बहुत ही ख़राब रहा, बहुत ही मुश्किल वाली साल रही। आशा करते हैं 2021 वैसे नहीं होगी। 2020 को हम लोगों ने सरवाइव किया, 2020 में हम लोगों ने बहुत लड़ा और बहुत ज़्यादा रूल्स मेंटेन किए हम लोगों ने, सबकी भलाई के लिए किया। आशा करते हैं 2021 में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और हम लोग फिर से लाइफ को जीने लगेंगे। सो कुछ भी हो, 2021 को भी अगर सरवाइव करना पड़े तो हम सरवाइव करेंगे। हौसला मत हारना, बस आगे बढ़ते रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 1 जनवरी 2021। नया साल है, नया करंट अफेयर्स है, सो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर वन, वैक्सीन क्लोज टू अप्रूवल, हिंस DCGI वीजी सोमानी, ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया एट वेबिनार ऑन थर्सडे इंडिकेटेड दैट इंडिया वॉज क्लोज टू अप्रूविंग अ COVID-19 वैक्सीन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के वीजी सोमानी ने ये कहा, वेबिनार हुआ था उसमें ये कहा उन्होंने कि इंडिया बहुत क्लोज है COVID-19 वैक्सीन स्टार्ट करने में। मिस्टर सोमानी वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ वेबिनार ऑर्गेनाइज बाई द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी that saw vaccine experts, infectious disease experts and representatives of companies developing vaccines discussing COVID vaccine development and India's preparation. So, जो वेबिनार में मिसेस सोमानी पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से, और उसमें बहुत सारे वैक्सीन एक्सपर्ट्स, इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंपनीज, मतलब जो कंपनी वैक्सीन बना रही है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां पे मौजूद थी। सो वैक्सीन एक्सपर्ट्स भी थे, इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स भी थे और जो कंपनी जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, ये सब कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां पे मौजूद थे, जो COVID-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे और इंडिया इस वैक्सीन को लेकर कैसे प्रिपेयर्ड हो रही है उसके बारे में भी बातचीत हो रही थी। ऑन फ्राइडे द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी विच इज एन एक्सपर्ट बॉडी ऑफ DCGI दैट इज परस्यूइंग एप्लीकेशंस बाय कंपनीज डेवलपिंग वैक्सीन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिव्यू एप्लीकेशंस बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक फॉर इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन। सो द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ड्रग कंट्रोल जनरल इंडिया DCGI का एक एक्सपर्ट बॉडी है जो कंपनीज की एप्लीकेशंस को रीड करती है, उनके डेवलपमेंट के बारे में जानती है, उसके बाद वो चीज़ को वो लोग एक्सेप्ट अप्रूव करती है। सो जो डेवलपिंग वैक्सीन डेवलपिंग कंपनीज है इंडिया में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक, जो अपनी अपनी वैक्सीन्स को ऑथराइजेशन के लिए, लीगल ऑथराइजेशन के लिए रेडी हो रही है, उन दोनों कंपनीज की एप्लीकेशंस सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी वो एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद ये डिसाइड करेगी कि ये वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के काबिल है या नहीं। अंडर दिस कंपनीज आर गिवन परमिशन टू मार्केट द वैक्सीन इवन इफ दे हैवंट फर्निश्ड ऑल द एविडेंस नॉर्मली रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द प्रोडक्ट सेफ्टी एंड एफिकेसी। और इसके आधार पे ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अगर जब एप्लीकेशन रिव्यू कर लेगी उसके बाद कंपनीज को और ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब अगर आप 90% एप्लीकेशन में 90% एविडेंस दे चुके हो तो आपको 10% एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मार्केट में अपना वैक्सीन बेच सकते हो या फिर वैक्सीन यूज़ कर सकते हो। तो वो आपकी सेफ्टी और एफिकेसी वहीं पे आपकी मेंटेन हो जाएगी।
नेक्स्ट, ओनली ओरल अश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट डिस्पाइट रीचिंग एन अग्रीमेंट ऑन एक्सेप्टिंग फार्मर्स फ्रॉम द पेनल प्रोविजंस ऑफ स्टेबल बर्निंग अंडर एन ऑर्डिनेंस ऑन एयर क्वालिटी इन द कैपिटल द सेंटर डज नॉट प्लान टू टेक एक्शन अंटिल ऑल अदर इश्यूज विद प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ग्रुप्स आर ऑल्सो रिजोल्व. सो लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई है फार्मर्स और सेंटर्स के बीच, तो ये डिसाइड की गई थी जो स्टबल बर्निंग करेगी उसको सजा दी जाएगी. वो जो पेनल प्रोविजन था वो हटा दिया गया. मतलब अगर कोई स्टबल बर्निंग, अगर कोई फार्म बर्निंग करने में फंस गया तो उसे पेनल प्रोविजन नहीं दिया जाएगा. जो सजा दी जानी चाहिए थी वो सजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये फार्मर्स का एक मांग था कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग ये सब कैसे मैनेज करेंगे. तो वो पैनल को हटा दिया गया है, लेकिन वार्निंग इश्यूज होगी और आप सेवल बड़ी नहीं कर सकते, लेकिन कोई पेनल्टी नहीं दिया जाएगा. मतलब जो पेनल्टी दिया जाता है, जो सजा दी जाती है, वो नहीं दिया जाएगा. ये एक गया. सो जो दो अग्रीमेंट की गई है फार्मर्स के साथ, फार्मर्स का ये कहना है कि वो दो अग्रीमेंट तो सिर्फ माइनर्स इशू है. मीन्स वो दो अग्रीमेंट जो है वो बहुत ही छोटा इश्यू है, बड़े इश्यूज अभी भी बाकी है. बड़े इश्यूज क्या है? बड़े इश्यूज है जो तीन फार्म लॉज निकली है, वो थ्री फार्म लॉज को हटाना और एमएसपी को लीगल गारंटी करना, मिनिमम सेलिंग प्राइस को लीगली गारंटी करना कि ये हमेशा रहेगा. तो ये दो चीज रखना है, ये एमएसपी रखना है और थ्री फार्मर्स लॉस को हटाना है. ये दो अग्रीमेंट मेजर इश्यूज है फार्मर्स के लिए. सो आस्क्ड अबाउट द टाइमलाइन इन अमेंड द ऑर्डिनेंस एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफिशियल नोटेड दैट ओनली एन इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड ड्यूरिंग द वेडनेसडे नेगोशिएशन विद द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स. सो मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स का कहना है कि इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट जो है वो सिर्फ फार्मर्स की गई है, मतलब अग्रीमेंट की गई है, लेकिन जो और भी इश्यूज है वो भी नहीं की गई है. तो फार्मर्स लीडर्स ने कहा, फार्मर लीडर्स सेड गवर्नमेंट एक्शन ऑन द अग्रीमेंट्स ऑलरेडी मेड वुड हेल्प टू बूस्ट कॉन्फिडेंस फॉर द टॉक्स अहेड. हाउएवर दे ऑल्सो एम्फसाइज दैट दीज आर माइनर इश्यूज इन कंपेरिजन टू द अनरिजोल्व डिमांड्स टू रिपील थ्री कंटिन्यूस फार्म रिफॉर्म्स लॉ एंड प्रोवाइड अ लीगल गारंटी फॉर एमएसपी. तो वही बात, ये दो चीज जो की गई है वो माइनर इश्यूज है, वो छोटी मोटी इश्यूज है. बड़ी इश्यूज जो है अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो बात होगी 4 जनवरी को होगी. तो 4 जनवरी की मीटिंग में फार्म रिफॉर्म लॉज को हटाने का बात होगा और एमएसपी लीगल गारंटी रखने का बात होगा. नेक्स्ट, नेशन वाइड वैक्सीन dry run tomorrow. High on hopes of a COVID-19 vaccine becoming available early in the new year, the center on Thursday urged all states to do a dry run on Saturday to test the preparedness to roll out the massive vaccination exercise across the country. So, जैसे कि हम लोगों को पता है, पिछले वीक एक dry run की गई थी जो सिर्फ 4 states में हुई थी, आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात एंड पंजाब में की गई थी. अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वैक्सीन बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली है, सो सैटरडे को हर एक स्टेट ड्राई रन करना स्टार्ट कर दो. ड्राई रन क्या होता है, पहले भी मैंने बताया, ड्राई रन होता है एक नॉर्मल प्रैक्टिस के तरह. मतलब आप एक जगह पे जाओगे, वहां पे आप एक प्रैक्टिस करोगे कि वैक्सीन को कैसे प्रेजेंट करना है, वैक्सीन को कैसे प्रोवाइड करना है, वैक्सीन प्रोवाइड करने से पहले कैसे सबको मैसेजेस भेजना है. सो ये सब जितने भी प्रिकॉशंस है, जितने भी स्टेप्स है, ये सब स्टेप्स को एक प्रैक्टिस रन करना है, ताकि जब असली वैक्सीन आएगी, जब वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी, तब किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे. ये प्रैक्टिस जैसे हो रही है ओरिजिनल वैक्सीनेशन के टाइम भी वही होगी. सो कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो ये सीधे जाके वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी. इसलिए ये ड्राई रन किया जा रहा है, ये प्रैक्टिस किया जा रहा है. द ड्रिल द सेकेंड वीक विद इन अ वीक
is also significant because the Drug Controller General of India is expected to take call on giving emergency use approval to front-running vaccine candidates Covishield from the Serum Institute of India and Covaxin from Hyderabad-based Bharat Biotech in the next few days. So, ये dry run second ये week में second time हो रही है और ये बहुत जल्दी हो रही है. क्यों? क्योंकि Drug Controller General of India ने ये कहा है कि वो लोग बहुत जल्द ही emergency use के लिए COVID-19 vaccine को approval दी जाएगी, जो Covishield है Serum Institute of India का और भारत बायोटेक Covaxin, ये दो वैक्सीन को emergency use के लिए approval दी जाएगी. So, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी ड्राई रन की जा रही है. नेक्स्ट, कॉलोनल बुल कुमार सियाचिन हीरो पासेस अवे एट 87. कॉलोनल नरेंद्र बुल कुमार रिटायर्ड इंस्ट्रूमेंटल इन द आर्मी लॉन्चिंग ऑपरेशन मेघदूत एंड सिक्योरिंग द डोमिनेंट हाइट्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर्स इन 1984 डाइड एट द आर्मीज रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल हियर ऑन थर्सडे. He was 87 and was suffering from age-related ailments. तो कॉलोनल नरेंद्र बुल कुमार जो आर्मी लॉन्चिंग ऑपरेशन मेघदूत के इंस्ट्रूमेंटल थे, जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर के हाइट को डोमिनेट किया था, सिक्योर किया था 1984 में, उनकी देहांत हो चुकी है. वो आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में अपने वहां पे एक्सपायर हो गए. एंड ही वॉज 87 ईयर्स ऑफ एज. नेक्स्ट, कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 2.6% इन नवंबर. आउटपुट फ्रॉम इंडियाज 8 कोर सेक्टर्स हिट अ 3-month लो इन नवंबर, कॉन्ट्रैक्टिंग 2.6% इन द फेस्टिव मंथ. द विद कोल, फर्टिलाइजर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी द ओनली सेक्टर्स टू रिकॉर्ड पॉजिटिव ग्रोथ ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, सजेस्टिंग द इकोनॉमी स्टिल आउट ऑफ इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स. सो इंडिया के जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, ये 8 कोर सेक्टर्स अब 3rd मंथ में बहुत ज्यादा लो आउटपुट दिखाई गई है. नवंबर के मंथ में भी लो आउटपुट हुई है, पहले दो मंथ में भी लो आउटपुट थी. कॉन्ट्रैक्टिंग 2.6% इन द फेस्टिव मंथ, और ये फेस्टिवल मंथ था और फेस्टिवल मंथ में 2.6% से गिर चुका है, डिक्लाइन हुआ है. सिर्फ कोल, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखा पाई है, बाकी सब श्रिंक हो गया, बाकी सब नीचे गिर चुका है. सो कोर सेक्टर्स आउटपुट श्रैंक बाय जस्ट 0.9% इन अक्टूबर कंपेयर्ड टू एन अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 2.5% कॉन्ट्रैक्शन. सो कोर सेक्टर्स का एस्टिमेशन किया गया था अक्टूबर में 2.5% कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन वो 0.9% कॉन्ट्रैक्शन हुई. द इंडेक्स हैज कॉन्ट्रैक्टेड 0.1% इन सेप्टेम्बर, वाइल रिवाइज फाइनल नंबर्स फॉर ऑगस्ट रिफ्लेक्ट एट 6.9% कॉन्ट्रैक्शन कंपेयर टू द ओरिजिनल स्टेटमेंट्स ऑफ फार शार्पर 8.5%. सो ऑगस्ट में कहा गया था कि 8.5% होगा, लेकिन 6.9% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मतलब, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मतलब कि वो डिक्लाइन हुआ है. अब ज्यादा बोला गया है तो कम हुआ है, लेकिन डिक्लाइन तो हुआ है, पॉजिटिव तो नहीं हुआ, नेगेटिव ग्रोथ ही हुआ है. सो कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है या फिर कितने डिक्लाइन हुई है वो भी देखते हैं. इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट रोज फॉर 3rd मंथ इन अ रो, एल्बिट एट अ स्लो पेस ऑफ 2.2%. सो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट 3rd मंथ राइज की है, ये ऊपर गया है, 2.2% ऊपर गया है. वाइल कोल प्रोडक्शन रोज ईयर ऑन ईयर फॉर द 4th मंथ इन अ रो, कोल प्रोडक्शन जैसे ऑलवेज ऊपर जाती रही है वैसे इस बार भी ऊपर गई है 2.9% से. फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कंटिन्यू टू ग्रो, राइजिंग 1.6% इन नवंबर. नवंबर में फर्टिलाइजेशन की ग्रोथ देखी गई है, 1.6% राइज हुआ है. फर्टिलाइजर्स रिमेन्स द ओनली सेक्टर टू हैव रिकॉर्डेड ग्रोथ इन द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ 2020-21. पहली 8 मंथ में सिर्फ फर्टिलाइजर ही ऐसे सेक्टर है जो इसमें ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, ग्रोइंग 3.8% बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर 2020-21. सबसे ज्यादा ग्रोथ फर्टिलाइजर सेक्टर में भी में ही दिखा गया है. उसके बाद आती है कितने ज्यादा डिक्लाइन हुई है. तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल,
ये सबके आउटपुट में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखी गई है, और ये कंटिन्यू हो रही है डिक्लाइन होना। ऐसा नहीं है कि पहले 2 मंथ ये राइस की फिर अभी डिक्लाइन हो रही, नहीं, ये पहले 2 मंथ भी डिक्लाइन थी, अभी भी डिक्लाइन हो रही है। रिफाइनरी प्रोडक्ट डिक्लाइन हुई है 4.8% से, नेचुरल गैस गिरा है 9.3% से, एंड क्रूड ऑयल गिरा है 4.9% से। सो यहाँ पे इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि ओवरऑल ओवरऑल 8 कोर सेक्टर्स भी गिर चुकी है। द फ्रेश कॉज ऑफ कंसर्न हाउएवर इमर्ज्ड इन द स्टील एंड सीमेंट सेक्टर्स, पर आउटपुट कोलैप्स बाय 4.4% एंड 7.1%। जो स्टील एंड सीमेंट सेक्टर्स है, स्टील 4.4% गिरा और सीमेंट 7.1% गिरा, और ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न करने वाली बात है, क्योंकि स्टील एंड सीमेंट बहुत ज्यादा यूज होती है इंडिया में। बट ये क्यों गिर गई इतनी जल्दी? अभी भी ये फुल्ली रिकवर नहीं हुई है। स्टील एंड सीमेंट रिकवरी दिखाई थी, लेकिन फिर से वापस गिर गई, तो इसका मतलब ये फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है। और पूरा इंडिया इकोनॉमी भी अभी भी रिकवरी में है, लेकिन रिकवरी से बाहर नहीं आई है। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट शूट्स अप टू 135% ऑन ऑफ टारगेट। इंडिया फिस्कल डेफिसिट शॉट अप टू 135.1% ऑफ द बजट टारगेट ऑफ नियरली 8 लाख करोड़ फॉर 2020-21। सो बजट टारगेट जो 8 लाख करोड़ का था, बजट टारगेट जो था उसको उसके ऊपर तक इंडिया का एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। मतलब जितना रेवेन्यू होना था उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो चुका है। सो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट 135.1% हो चुका है, मतलब जो टारगेट था टारगेट को पार कर चुका है। इन द 8 मंथ्स ऑफ अप्रैल टू नवंबर 2020, एज पर डेटा रिलीज बाय द कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑन थर्सडे, द फिगर हैज स्टूड एट 114.8% अ ईयर अर्लियर। एक ईयर पहले यही फिगर 114.8% में था, और इस ईयर अभी 135.1% में हो चुका है इंडियन फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट विच हैज क्रॉस्ड 125% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट टच 140 ऑफ द बजट टारगेट बाय नवंबर। सो जो रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट उल्टा, जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा आता है, सो वो 125% था जो ऑलमोस्ट 140% को छू चुका है। विद जस्ट अबाउट 40% ऑफ द एनुअल एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीव कमिंग इन, द फिस्कल डेफिसिट हैज रीच्ड 120% ऑफ द ईयर्स टारगेट और 9.53 लाख करोड़ रुपीज बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। इट रोज टू 10.8 लाख करोड़ इन नवम्बर। सो 120% फिस्कल डेफिसिट हुआ है, ज्यादा खर्चे हुए हैं, और 9.353 लाख करोड़ जो अक्टूबर के एंड में थी वो अब 10.8 लाख करोड़ हो चुकी है, जिसका टारगेट 8 लाख करोड़ था, अब वो 10.8 लाख करोड़ हो चुका है नवंबर में। सो 135% का इंक्रीज देखा गया है फिस्कल डेफिसिट में। नेक्स्ट इज इंडिया मस्ट रेज द बार ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम्स। विद द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग वॉचडॉग एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक अ रिव्यू ऑफ इंडियाज मैकेनिज्म्स टू डील विद सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल क्राइम्स इन 2021, स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज कॉम्प्लायंस हेड हैज स्ट्रेस्ड द नीड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू रेज द बार फॉर मॉनिटरिंग सच एक्टिविटी। सो जैसे कि हम लोग को पता है कि बहुत ज्यादा ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फंडिंग होती है। सो ये सबसे बचने के लिए, ये सबको मॉनिटर करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कॉम्प्लायंस हेड, उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तैयार करना पड़ेगा जो ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग को मॉनिटर करेगी, और 2021 में यही सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल क्राइम्स को पकड़ा जाएगा। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज डेफर्ड इट्स वंस अ डिकेड इवेल्यूएशन ऑफ इंडियाज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइम शेड्यूल फॉर दिस ईयर, साइटिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड इंडिकेट दैट द ऑन साइट रिव्यू टू बी कंडक्टेड बाई ग्लोबल एक्सपर्ट्स मे नाउ टेक प्लेस इन अर्ली 2021। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये कहना है कि ये अगर किया जाएगा तो ये वंस इन अ डिकेड वाली इवेल्यूएशन होगी इंडियन
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइम के लिए, और ये शायद अर्ली 2021 से स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि कोविड 19 की वजह से ये रुक गई थी, तो अब 2021 में ये कंप्लीट की जा सकती है। नेक्स्ट इज FDI इनफ्लो राइजेस 21% टू $35.3 बिलियन इन अप्रैल अक्टूबर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लोज इनटू इंडिया ग्रू 21% टू $35.33 बिलियन इन द अप्रैल अक्टूबर पीरियड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर एज पर ऑफिशियल डेटा। सो जो FDI ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज था, इक्विटी इनफ्लोज था, लास्ट ईयर वो $29.31 बिलियन थी, जो कि इस साल $35.33 बिलियन हो चुके, जो कि 21% इंक्रीज हुआ है। सो अ ईयर अर्लियर FDI इक्विटी इनफ्लोज हैड स्टूड एट $29.31 बिलियन। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सेड इन द स्टेटमेंट व्हाइल लिस्टिंग आउट इट्स हाइलाइट्स फॉर 2020। सो ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से दिया गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 21% ग्रो हुआ है। अर्बन जॉबलेस रेट राइजेस टू 9.1% इन जनवरी मार्च फ्रॉम 7.9% इन अक्टूबर टू दिसंबर 2019। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज rose to 9.1% in January to March 2020 from 7.9% in October to December 2019. So, October or December में unemployment rate, मतलब जिसे employment नहीं मिलता है, कितने को employment नहीं मिला है, वो jobless है. So, unemployment rate October, December 2019 में 7.9% था, वो January to March 2020 में 9.1% हो चुकी है, बढ़ चुकी है, बट मार्जिनली लोअर देन 9.3% इन जनवरी मार्च 2019। लास्ट ईयर 2019 में जनवरी और मार्च के बीच 9.3% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि इस ईयर 2020 के सेम टाइम जनवरी टू मार्च में 9.1% है। द क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज्ड ऑन मिनिस्ट्री released by the Ministry of Statistics and Programming program implementation on Thursday showed. So ये जो सर्वे है, ये रिपोर्ट है, ये periodic labor force survey रिलीज की गई है Ministry of Statistics and Program implementation की तरफ से। Urban employment in the age group 15 to 29 years was 21.1% in January March, up from 19.2% in October December. So अक्टूबर दिसंबर लास्ट ईयर में 19.2% था, 15 से 29 इयर्स के एज ग्रुप में जो आते हैं, 15 से 29 एज के बीच, उनको अक्टूबर और दिसंबर में 19.2% जॉब नहीं मिला था, अब वो बढ़ के हो चुका है जनवरी और मार्च में 21.1%। सो 21% पीपल को जिनका एज 15 से 29 के बीच है, उनको जॉब नहीं मिल रही। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज रिकॉर्डेड इन डबल डिजिट्स एट 10.5% इन जनवरी मार्च 2020, अप फ्रॉम 9.8% ऑन प्रीवियस क्वार्टर। सो अक्टूबर दिसंबर में जो 9.8% था फीमेल्स के लिए, वो जनवरी मार्च में हो चुका है 10.5%। सो 10.5% फीमेल्स को जॉब नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट है उन लोग। फॉर अर्बन मेल्स, और जो मेल्स है उनका दिसंबर अक्टूबर दिसंबर में 7.3% था, और जनवरी मार्च में 8.7% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है। नेक्स्ट, ब्रिटेन लीव्स यूरोप सिंगल मार्केट। ब्रेक्सिट बिकम्स अ रियलिटी ऑन थर्सडे as Britain leaves Europe's customs union and single market, ending nearly half a century of thousand turbulent ties with its closest neighbors. So, Brexit kya hai? Brexit is a short form of Britain exit European nation. European nation ek committee thi jiske andar har ek Europe ke countries maujood thi, including Britain.
लेकिन 2016 में ब्रिटेन ने ये फैसला किया था कि वो यूरोपियन नेशन से बाहर निकल जाएगी, वो लोग खुद का इकोनॉमिक क्रिएट करेगी, खुद के सब कुछ करेगी। ब्रिटेन यूरोपियन नेशंस के साथ टाइज रहेगा, लेकिन यूरोपियन नेशंस के अंडर में वो काम नहीं करेंगे, वो लोग अलग रहेंगे। ये फैसला जब लिया गया था, तब यही कहा गया था कि ब्रिटेन ने यूरोपियन नेशन को एग्जिट कर दिया, ब्रिटेन एग्जिट। इसे जोड़ के ये वर्ड बनाया गया था, ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट एक रियलिटी बन चुकी है, थर्सडे को रियलिटी बन चुकी, जिस जहां पे देखा गया ब्रिटेन यूरोपियंस नेशन के जो कस्टम यूनियन एंड सिंगल मार्केट है उसको छोड़ चुका है, ब्रिटेन ने उसे छोड़ दिया, जिसके साथ हाफ ऑफ सेंचुरी से वो लोग टर्बुलेंट टाइज रख रहे थे, क्लोजेस्ट नेबर थे, वो कस्टम यूनियन और सिंगल मार्केट को ब्रिटेन ने छोड़ दिया। द यूके टॉर्चुअस डिपार्चर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन टेक्स फुल इफेक्ट व्हेन द बिग बेन स्ट्राइक्स 11 PM इन सेंट्रल लंदन, जस्ट एज मोस्ट ऑफ द यूरोपियन मेनलैंड अशर्स इन 2021 एट December 31st मिडनाइट। जैसे ही December 31st के मिडनाइट हुई और लंदन में 11 PM हुई, तब यूके ने यूरोपियन नेशन के साथ कस्टम यूनियन और सिंगल मार्केट से रिश्ता तोड़ दिया, वहां से वो लोग निकल गए। ब्रेग्जिट हैज डोमिनेटेड ब्रिटिश पॉलिसीज पॉलिटिक्स सिंस द कंट्री नैरो वोट टू लीव द ब्लॉक इन June 2016। तो June 2016 में उन्होंने ये ब्लॉक लीव किया था, यूरोपियन यूनियन को उन्होंने लीव किया, ओपनिंग डीप पॉलिटिकल एंड सोशल वुंड्स विच रिमेन रॉ, बट बोथ साइड्स आर नाउ कीन टू मूव ऑन टू अ न्यू फ्यूचर। जब ये ब्रेग्जिट हुई तो बहुत ज्यादा सोशल वुंड्स भी हुई, बहुत बातें डीप पॉलिटिक्स में चली गई थी, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा बातचीत हुई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब दोनों ने ये सुलाव कर लिया है और दोनों ने अपने अपने फ्यूचर की तरफ रुख कर लिया है। और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का ये भी कहना है कि यूरोपियन नेशंस में हम लोग नहीं है तो क्या हुआ, यूरोपियन नेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ टाइज बनाए रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 1 जनवरी का इंपॉर्टेंट डे है ग्लोबल फैमिली डे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टूडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, वी विल ओपन द बुक इट्स पेजेस आर ब्लैंक, वी आर गोइंग टू पुट वर्ड्स ऑन देम आवर सेल्व्स, द बुक इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी एंड इट्स फर्स्ट चैप्टर इज न्यू ईयर्स डे। आज हम एक किताब ओपन करेंगे, वो किताब खाली है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उस पे हम लोग वो वर्ड्स लिखेंगे जो हम चाहेंगे, ये किताब हम भरेंगे, किताब खाली है, ब्लैंक है, लेकिन इसमें जो भी कुछ भी लिखना पड़े वो हम खुद लिखेंगे। और ये किताब का नाम है अपॉर्चुनिटी, और इस किताब का फर्स्ट चैप्टर है न्यू ईयर्स डे। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, एक नया अपॉर्चुनिटी है, और न्यू ईयर्स डे एक नया दिन है। इस दिन से आप अपनी खाली किताबों को लिखना शुरू कर दें और आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो सबको अचीव करना स्टार्ट कर दें, और ये पूरे बुक को, ये पूरे साल के बुक को सक्सेस से भर दें। जितने भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी आप उन सब में फोकस करें, वो सब में मेहनत करें, और जितने भी एग्जाम्स हो, जितने भी जॉब इंटरव्यूज हो, जितने भी यूपीएससी रिलेटेड या फिर अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड हो, या फिर और भी कुछ भी हो जो आप अपने फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो, जो आपका एम है, आपका गोल है, आप सब में सक्सेस हो, सब में आप अपनी 100% लगाए, और देखना सक्सेस आपके ही पास होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।